दिवाली वाली रात अंधेरा। वीर, हाँ माँ, वीर, हाँ माँ, यहाँ यहाँ। लाइट चली गई लेकिन जनरेटर भी चालू नहीं हुआ। अब दिवाली वाले दिन घर में अंधेरा रहेगा क्या? अंधेरा होगा ही नहीं, दियों की रोशनी से सब जगमगाएगा। रोशनी के त्योहार के दिन हमारे घर अंधेरा नहीं आएगा। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली दादी, हैप्पी दिवाली, सो गुड टू सी यू, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। नीलम आंटी, एक्चुअली विराज ने बहुत सालों से दिवाली सेलिब्रेट नहीं की थी। इस बार इसका मन था कि ट्रेडिशनल स्टाइल में दिवाली सेलिब्रेट करें। एंड मुझे ऑफ कोर्स पता है कि लक्ष्मी सारे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती है, सो आई वाज श्योर कि दिवाली भी ट्रेडिशनल स्टाइल में मनाएगी, इसलिए मैं विराज को यहाँ ले आई। पर हमें लगता है सॉरी बोलना चाहिए सबको, स्पेशली मुझे, ऐसे अनइनवाइटेड बिना बताए यहाँ चला आया। नो नो, इट्स ओके विराज, इनफैक्ट इसे मलिष्का का अपना घर ही समझो, सो इट्स फाइन। और वैसे भी दिवाली की खुशियाँ ही मनानी है ना, तो खुशी में शामिल होने के लिए या किसी को शामिल करने के लिए अपना और पराया क्या, क्यों वीर? ऑफ कोर्स मां, सो यू कैन जॉइन अस। थैंक यू सो मच अंकल। तुम्हें क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों देख रही हो मुझे, कुछ गलत किया क्या? मैं गुस्से से नहीं देख रही, तुमने मेरी रंगोली खराब कर दी। वैसे भी दिवाली की पूजा तो अब हो चुकी है, तो लक्ष्मी तुम भी इस बारे में ज्यादा सोचो मत। मलिष्का, तुमने आने में बहुत देर कर दी, आरती तो हो चुकी है। एक्चुअली मैं किसी काम में फंस गई थी, आई एम सो सॉरी। अच्छा, लेकिन अब प्रसाद लिए बिना मत जाना, ओके? अब मैं लेके आती हूँ। सुनो ना, चलो प्रसाद से पहले भगवान जी के दर्शन कर लेते और पंडित जी से आशीर्वाद भी ले लेते। चलो, लेट्स गो। मिठाई, मिठाई, और अरे ऑफकोर्स मिठाई तो बनती है ना, दिवाली है तो मीठा खाना तो बनता है। हाँ या ना? मलिष्का, तुमने पूजा तो मिस करवा दी है लेट लाके, ये दिया जलाना है नॉल, रियली बड़ा अच्छा लग रहा है, और फिर पटाखे भी तो होंगे ना, आई रियली लव इट। ए, तुमने सुना भी या नहीं? I'm so sorry, मेरा ध्यान कहीं और था। दे दे आ। खाने हैं? नहीं भैया, तो जाना ठीक है। ये लो, तुम्हारे लिए। मुंह खोलो, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।